रुक जा बेटा, मैंने तो पूछा एक बार वीडियो चल रहा, पहले आई कहाँ से है? शाहबाद से। अच्छा शाहबाद से आई है, ओके। अच्छा एक महीने पहले आई थी? सवा महीने पहले। माँ जी सवा महीने। हाँ बेटा, मेरे बेटे पे संकट था, माँ पुलिस में रोज रोज कोई पंगे करता रहता था। आपने कहा था दुश्मन है उसके। हाँ हाँ हाँ। तो माँ 9,000 में निपट गया और कहते कोई हमारी चोरी नहीं थी इसमें। माँ की बहुत कृपा हुई मेरे बेटे पे। मतलब ये है तेरी वीडियो पहले तो नहीं बनी थी कोई? अच्छा वैसे पूछा कि आई होगी शायद कि भी लोग वो लगा रहे थे और झूठे इल्जाम में फंसा रहे थे। अरे इल्जाम ऐसा लगा दिया था, मतलब निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था लोगों ने। ठीक है, तो महारानी ने सजा होने की बात चली। चौकी में था, चौकी में था, शाहबाद की चौकी में था। अच्छा शाहबाद की चौकी में। तो अच्छा ये बरी कब हुआ है? 15 दिन हो गए। तो भाई इस बच्ची की जैसे सुनी, बच्चे की सुनी, क्योंकि झूठे इल्जाम जब लगाते हैं, इसकी अदालत सबसे बड़ी, माँ दुर्गे की अदालत सबसे बड़ी, जब ये इंसाफ करने पे आती अपने भक्तों का, तो एक सेकंड नहीं लगता बरी होने में वो बंदा, जितनी मर्जी कहते हैं। वो कहने लगे इसने कोई स्टपनी स्टपनी नहीं डाली, हमने तो झूठा लिखवाया था। माँ आपने इतनी कृपा। हाँ, तो इसकी अदालत में सच्चे फैसले होते हैं, इसकी अदालत सबसे बड़ी है। तो आ गया बरी, और जैसे इसका बच्चा बरी आया, जो और बच्चों पे भी जैसे जैसे ये लगाते हैं दुश्मन बैरी हैं, उनका भी महारानी ऐसे ही सच्चे फैसले, सुच्चे फैसले, सुच्चे दरबारों वाली फैसले करने वाली है, सुच्चे फैसले लेके आए। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय, भद्रकाली मैया की जय, कुशेत्र धाम की जय, इसके भक्तों की जय। जय मेरी महारानी।